हेलो भाई, आज बात करने वाले हैं विजय देवाकोंडा की मूवी लाइगर के बारे में। इसको वाई कोड क्यों ट्रेन करा जा रहा है और विजय कोंडा को वाई कोड क्यों ट्रेन करा जा रहा है सब बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो भाई, विजय देवाकोंडा की मूवी आ रही है लाइगर, जिसमें अनन्या पांडे और विजय कोंडा देखने को मिल रहे वाले हैं और भाई अपने मूवी का प्रमोशन करने के लिए जुटे हुए हैं। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन मूवी आई थी, तो एक रिपोर्टर से सवाल पूछा जो यानी कि मूवी का वाई कोड करने वाले हैं, उनके लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे। भाई विजय कोंडा देवाकोंडा को पता नहीं क्या हो गया भाई, उनके लिए हेट दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भाई जिसको मूवी देखनी है देखो, जिसको नहीं देखनी वो देखो। भाई सेम टू सेम करीना कपूर की जुबान ये बोल रहे हैं, यानी बॉलीवुड का असर इन पर हो चुका है भाई। ये भी नेपोटिज्म के माल में घुसने लगे हैं, लेकिन भाई इनको याद रखना चाहिए साउथ इंडस्ट्री के एक्टर है भाई। जितनी सिंपलसिटी इनके पास है भाई वो काफ़ी है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई आपको जो वाई कोड ट्रेंडिंग वालों के लिए क्या कहना, तो यार उनका सम्मान करो भाई। जिस मूवी को वो प्यार देते हैं उसको प्यार देते हैं, जिसको वाई कोड करते हैं उसको वाई कोड करते हैं। ऐसा कहकर चुपचाप निकल जाना चाहिए, नहीं विजय देवाकोंडा का उड़ता तीर लेने की आदत हो गई है पता नहीं बॉलीवुड में आने के बाद। भाई मूवी के लेकर भाई उन्होंने कुछ बोला है कि भाई जिसको मूवी देखनी है वो देखे, जिसको ना देखनी वो मत देखे, तो यार ऐसा इंटरव्यू मत दो यार। तो भाई तुम तो ऐसा नहीं हो कि इस टॉपिक पर नई मूवी ला रहे हो, तो इससे पहले इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा मूवी बन चुकी है, सुल्तान ब्रदर्स और भाई तूफान जैसी मूवी बन चुकी है, तो यार ऐसा मत सोचो कि भाई मेरी मूवी यूनिक है। तो भाई इस टाइप पर कई सारे मूवी बन चुकी हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट तो तुम लेके नहीं आ रहे हो कि जनता भाई देखने को ही जो उत्सुक हो जाएगी। तो यार कृपया करके यार अपने जुबान को कंट्रोल में रखे और हिसाब से बोले। विजय देवाकोंडा आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, तभी आपको भाई जनता प्यार देगी। भाई इस मूवी को आपके लिए ही देखने जा रही है जनता, ना कि अनन्या पांडे के लिए। तो अनन्या पांडे को तो पहले नेपोटिज्म मानते हैं, बस आपके लिए मूवी देखने जा रही है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो मूवी देखने कौन जाएगा।